दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही कॉमिक नोवेल को कवर करेंगे जिसका नाम है थ्री मैन इन अ बोट। थ्री मैन इन अ बोट इसको लिखा था जेरोम कैप का जेरोम ने, ये इंग्लिश राइटर थे एक। इस नोवेल का पूरा नाम है थ्री मैन इन अ बोट टू से नथिंग टू द डॉग। दोस्तों इस नोवेल को 1888 लंदन में लिखा गया, 1889 में इसको पब्लिश करवाया गया। इसकी सेटिंग रखी गई है टेम्स रिवर में, लंदन में जो टेम्स रिवर है। दोस्तों इसका पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट पर्सन, और इसके अलावा जिस वक्त इसको लिखा गया उस वक्त विक्टोरियन एज चल रही थी। ये एक ट्रैवलॉग नॉवल है और एक कॉमिक नॉवल है, कॉमेडी है इसके अंदर। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस इंटरेस्टिंग नॉवल को देखते हैं, इसके प्लॉट पर नज़र डालते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस कहानी में मेनली तीन कैरेक्टर्स हैं, तीन दोस्त हैं। पहले दोस्त का नाम है जे, ये नाम खुद ऑथर ने अपने नाम पर दिया है जे। और दूसरा कैरेक्टर है हैरिस और तीसरा है जॉर्ज। ये तीन दोस्त हैं आपस में। तो कहानी की शुरुआत में ये तीनों जे के घर पे बैठे हुए हैं, सिगार फूंक रहे हैं और आग के सामने बैठकर खुद को सेक रहे हैं। ये कहानी फर्स्ट पर्सन नरेशन है, जे इस कहानी का नरेटर है। दोस्तों इस कहानी में इन तीनों की ट्रैवलिंग को बताया गया है। तो यहाँ पर बैठे बैठे ये तीनों एक दूसरे को अपनी अपनी बीमारियों के बारे में बताते हैं। इस जे ने अभी अभी रिसेंटली एक ब्रिटिश म्यूजियम में बीमारियों पर रिसर्च करने में कुछ टाइम निकाला है अपना। तो ये तीनों एक दूसरे को अपनी अपनी बीमारियों के बारे में बताते हैं। हालांकि इन तीनों में से किसी को भी कोई फ़िलहाल बीमारी नहीं है, ये लोग सिर्फ भ्रम पाल के बैठे हैं अपने दिमाग में। लेकिन ये तीनों तय करते हैं कि हम में से जिसको जो जो बीमारी है उसकी वजह है ज़्यादा काम करना, कि हम लोगों ने ज़िंदगी भर बहुत काम किया है इसलिए हम लोगों को ये बीमारियाँ हो गई है। तो ये लोग तय करते हैं कि ये टेम्स रिवर में एक बोट लेकर एक ट्रिप पर जाएंगे। ये समझते हैं कि ऐसा करने से हम लोग जो नेचर से दूर हो गए हैं तो वापस से हम लोग नेचर के टच में आएंगे, एक सिंपल और प्योर लाइफ को फिर से गले लगाएंगे। तो ये सब कुछ भूल भाल कर एक ट्रिप पर जाने की तैयारियां करने लगे। फिर ये हैरिस जे को उसके अंकल की याद दिलाता है, अंकल पॉजर। ये अंकल ऐसे थे जो सिंपल से सिंपल टास्क को कॉम्प्लिकेटेड बना देते थे हमेशा। तो अब ये तय करते हैं कि हमको ट्रैवलिंग पर खाने के लिए क्या क्या लेना चाहिए। इस बात से इस जे को याद आता है कि इस जे ने एक बार अपने दोस्त के लिए कोई चीज़ लेकर के गया था, ये ट्रांसपोर्ट करके। तो वो चीज़ क्या है, बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी उस चीज़ में से। तो पूरे सफ़र के दौरान कोई भी इसके आसपास नहीं आ रहा था। एंड में जिस फ्रेंड के लिए ये चीज़ लेकर के गया था उसने भी बोल दिया कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। फिलहाल तो इन तीनों ने अपनी पैकिंग फिनिश कर ली थी, इन्होंने अपने साथ बैग भर भर के कपड़े ले लिए, लग्जरी खाना ले लिया और किचन का बहुत सारा सामान ले लिया। मतलब इतना सारा सामान ले लिया इन लोगों ने। और ये सब पैकिंग करते करते ये लेट हो गए, तो ये लेट जा कर के सोए। तो जॉर्ज ने कहा कि मैं सुबह तुम लोगों को उठा दूंगा, फिर अर्ली मॉर्निंग चलेंगे हम लोग ट्रिप पर। लेकिन सुबह देर तक ये सोते ही रहे। फिर जे की हाउसकीपर मिसेस पॉपेट वहाँ पर आई और इनको देखा, लेकिन उन्होंने इन तीनों को उठाया नहीं, इनको सोने दिया। जब ये तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे, ये जॉर्ज जो है न्यूज़पेपर में मौसम का हालचाल देख रहा था। तो ये जे बोला जॉर्ज से कि ये सब झूठ बताते हैं, बाहर चिलचिलाती हुई धूप है, तो आज मौसम भी मेहरबान है हमारे ट्रिप के लिए। सैटरडे के दिन इन लोगों ने अपनी ट्रिप शुरू की, लेकिन जॉर्ज इन लोगों के साथ में नहीं आया क्योंकि जॉर्ज को कुछ काम पड़ गया था। जे और हैरिस अपने कुत्ते को लेकर के टेम्स रिवर में एक हफ्ता ट्रिप पर गुजारने के लिए चल दिए अपने घर से। इनकी ट्रिप होने वाली थी किंगस्टन ऑफ टेम्स से ऑक्सफोर्ड तक। तो अब इनको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी एक ट्रेन पकड़कर, लेकिन इनको पता नहीं कि कौन सी ट्रेन किंगस्टन जाएगी। तो इन लोगों ने ऐसे ही कोई ट्रेन पकड़ ली, जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर ट्रेन के ड्राइवर को ब्राइब किया, कुछ रिश्वत दी कि हमको किंगस्टन छोड़ दे। फिर ये किंगस्टन पहुँचे और वहाँ इन्होंने अपनी बोट पकड़ी। अब दोस्तों ये जिस जगह पर हैं किंगस्टन में, ये एक हिस्टोरिक टाउन था, यहाँ पर पहले के टाइम पे राजा रहते थे। तो ये जे वहाँ पर बहुत सी चीज़ों की तारीफ़ें कर रहा था, बोल रहा था कि ये पुरानी चीज़ों की वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें पुरानी हैं, 100-200 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है। हो सकता है कि आज जो कॉमन चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद, 100-200 सालों के बाद जाकर वो भी वैल्यूएबल हो जाएँ। अब जे, जे का कुत्ता और हैरिस, ये तीनों नाव में बैठे हुए थे। तो इनकी नाव हैम्पटन कोर्ट के सामने से निकली। ये एक बहुत ही आलिशान एक हिस्टोरिक जगह थी, इसको किंग हेनरी 8th ने ऑक्यूपाई कर लिया था। इसके बाद ये तीनों मॉलेसी नाम की जगह पर पहुँचे
जहाँ इनका फर्स्ट लॉक था। अब यहाँ से मॉलेसी से ये टेम्स रिवर जो थी इसके पानी को कंट्रोल किया जाता था कि कितना ज़्यादा पानी करना है कितना कम करना है, यहाँ से कंट्रोल किया जाता था। यहाँ पर इनके अलावा भी बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने और बोट चलाने आए थे। तो ये जे ये सीन देख करके बोलता है कि ये लड़कियाँ सोचती हैं ना कि ऐसे कपड़े पहनकर ये अच्छी लगती है, बल्कि भद्दी लग रही हैं, ये रिवर का एनवायरनमेंट ख़राब कर रही हैं, ऐसा कमेंट किया जे ने उन लड़कियों पर। फिर ये दोनों और इनका कुत्ता कैम्पटन पार्क नाम की जगह पर लंच करने रुके, तो वहाँ इन पर एक आदमी चिल्लाने लगा कि ये मेरी बॉस की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लंच मत करो। तो फिर ये जे और हैरिस उस पर हंसने लगे। ये हैरिस बोला कि इस प्रॉपर्टी के ऑनर के घरों को आग लगा दूंगा और कॉमेडी सॉन्ग्स गाऊंगा। हैरिस की इस बात पर जे को एक पार्टी की याद आती है जहाँ पर एक जर्मन सिंगर ने गाना गाया था। इसके बाद क्या होता है, इनकी बोट पहुँचती है वे ब्रिज नाम की जगह पर, जहाँ पर इनसे इनका दोस्त जॉर्ज मिलता है। वो अपने साथ एक अजीब सा पैकेज लाया था। एक्चुअली इस पैकेज के अंदर एक बैंजो था, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैंजो बजाने का, जिसे इसने कभी पहले नहीं बजाया था। इसके बाद ये लोग अपनी बोट को टो करने लगे कि थोड़े समय बाद ये लोग एक जगह पर डिनर करने रुके और रात को सोने के लिए अपने साथ एक कैनवास कवर लाए थे जो कि बोट में बिछा करके ये लोग सोएंगे। लेकिन उसे बिछाने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम आई। फाइनली बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने सेट किया उसको और डिनर किया और वापस सिगार फूंकने लगे और एक एक दूसरे को कहानियां सुनाने लगे। ये हैरिस और जॉर्ज तो सो रहे थे लेकिन ये जे जाग रहा था, रात की तारीफें कर रहा था कि रात लोगों को आराम देती है उनके दर्दों से। बाकी दोनों तो सो गए थे, ये अपनी कहानियां सुनाए जा रहा था और उस कहानी का नाम था थ्री नाइट्स इन अ वुड। अब सुबह हुई, अर्ली मॉर्निंग ये जॉर्ज उठ गया। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह 3 बजे उठ गया काम पर जाने के लिए, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि मैं अभी बोट में हूँ, और दूसरा इसकी घड़ी भी टूट गई थी तो इसको पता नहीं चला कि टाइम क्या हो रहा है। अब सुबह होते ही जॉर्ज और जे ने हैरिस को जगाया स्विमिंग करने के लिए, लेकिन पानी बहुत ही ठंडा था और ये जे पानी में गिर गया। फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए हैरिस अंडे बनाने लगा तो इससे पैन जल गया, पैन में अंडे फ्राई करते हैं वो पैन ही जल गया। इसके बाद ये लोग नदी में ट्रैवल करते करते मैग्ना कार्टा आइलैंड पर आ गए। उस आइलैंड का नाम, उस जगह का नाम मैग्ना कार्टा इसलिए पड़ा क्योंकि किंग जॉन ने उसी जगह पर मैग्ना कार्टा साइन किया था। इसके बाद ये जे फिर से किंग जॉन की हिस्ट्री में चला गया और इन्होंने लंच किया। अब लंच करते टाइम इन लोगों को याद आया कि ये तो मस्टर्ड जो था वो घर पे बुलाए थे, लेकिन ये परेशान हो गए थे, लेकिन ये अपने साथ डिब्बा बंद पाइनएप्पल लेकर के आए थे, लेकिन उसे ओपन करने के लिए ओपनर इनके पास नहीं था, तो इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया उसको खोलने के लिए, लेकिन वो नहीं खुला तो परेशान होकर इन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। लंच करने के बाद ये लोग मेडन हेड नाम की जगह पर गए। इसके बाद ये लोग गए पीबी शैले के घर, पीबी शैले का घर जहाँ पीबी शैले पहले रहा करते थे। फिर इनके पास खाना ख़त्म हो गया था तो ये लोग खाना लेने गए, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा खाना ले लिया था। फिर ये लोग रिवर में तैरते तैरते अपने दूसरे लॉक पर पहुँचे। अब दूसरे लॉक पर पहुंचने के बाद इन लोगों ने लॉक कीपर से पूछा कि पीने का पानी मिलेगा, तो उसने कहा, लॉक कीपर ने बड़ी शालीनता से कहा, नदी का ही पानी पी लो ना। तो इन लोगों ने क्या किया, नदी का पानी पीने की बजाय उससे चाय बनाई। लेकिन इससे पहले कि वो लोग चाय पीते, इनके सामने से नदी में से एक मरे हुए कुत्ते की डेड बॉडी सामने से निकली तैरती हुई। तो इन लोगों ने अब एक दूसरे की शक्लें देखी और फिर ये देखकर उन्होंने चाय पीने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर इसके बाद ये लोग लंच करने रुके एक बार फिर से, लेकिन अचानक वहाँ पे हैरिस पानी में गिर गया। और अगली सुबह जब ये तीनों उस जगह से निकले, तो निकलते ही बोट में इन तीनों में आर्ग्यूमेंट हो गया कि बोट पर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा काम किसने किया है। तो ये तीनों बोट पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुम अपनी ड्यूटीज से भाग रहे थे। इसके बाद ये चार्ल्स फर्स्ट के घर के यहाँ से पास हुए। इसके बाद इन्होंने अपने ट्रिप का सबसे भयानक सीन देखा। क्या देखा कि एक औरत की लाश बहती हुई वहाँ से आ रही थी। इस औरत ने सुसाइड की थी क्योंकि इसकी फैमिली को इसके अफेयर्स के बारे में पता चल गया था, तो इस औरत ने सुसाइड कर ली, तो उसकी लाश बहती हुई आ रही थी, इन तीनों ने देखा। फिर इसके बाद ये लोग नदी में अपने कपड़े धोने लगे, टेम्स रिवर में ही अपने कपड़े धोने लगे, लेकिन
कपड़े साफ होने की बजाय और गंदे हो गए। फिर क्या था, इन्होंने धोबी से ही कपड़े धुलवाए। वहां इन्होंने देखा कि एक बड़ी सी मछली एक ग्लास केस में टंगी हुई थी। तो इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि इतनी बड़ी मछली को पकड़ा कैसे होगा। लेकिन ये फिश असली नहीं थी, इन लोगों को क्या पता कि ये फिश असली नहीं थी, एक डमी था। इसके बाद इन लोगों ने वापस अपनी यात्रा शुरू की और इसके बाद ये लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, पहुंचने वाले थे मतलब ऑक्सफोर्ड। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। ये बारिश बहुत ही तेज हो रही थी, नदी में पानी बढ़ रहा था, इन लोगों को ठंड लग रही थी और बहुत ही बुरा हाल था। ये लोग गाना गाने लगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद इन्होंने अपने ट्रिप को आधे में छोड़ा और वापस ये लोग लंदन भाग गए। 5 बजे की ट्रेन पकड़ करके ये लोग वापस लंदन आ गए, अपनी बोट को वहीं छोड़ा है। लंदन आने के बाद में इन लोगों ने एक थिएटर में डांस शो देखा और अपने फेवरेट फ्रेंच रेस्टोरेंट में डिनर किया और शराब भी पी और एंड में बोले कि हमारी ट्रिप बहुत ही अच्छी थी, हम टेम्स रिवर को दिल से थैंक्स बोलते हैं, लेकिन हम यहीं ठीक हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म होती है।